कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। क्यों कर रहा था रॉकी ये सब? रीना के कौन से सीन्स को बर्दाश्त नहीं कर पाई जनता? रॉकी भाई का रोमांस क्यों बना प्रॉब्लमेटिक? पैंडेमिक की मार झेलते झेलते टलते टलाते फाइनली भरपूर हाइप के साथ यश की KGF 2 रिलीज हो चुकी है। प्रशांत नील डायरेक्टेड ये फिल्म 2018 में आई चैप्टर 1 की कहानी को आगे बढ़ाती है। गरुड़ा की हत्या करने के बाद KGF में रॉकी का राज है, मगर यहाँ पहुँचते पहुँचते उसने रास्ते में कई दुश्मन बना लिए हैं। अब वो लोग रॉकी को खत्म करके KGF पर खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। वो रॉकी को मारने के लिए अधीरा को ले आते हैं। अधीरा सूर्यवर्धन का भाई है जिसे लोगों ने मरा हुआ मान लिया था। दूसरी तरफ देश में सत्ता बदल गई है। देश की नई प्रधानमंत्री रमिका सेन तक रॉकी की खुराफात की खबर पहुंच चुकी है। KGF 2 एक धुआंधार सीक्वल है जो 2018 में शुरू हुई कहानी को एक सेटिस्फाइंग तरीके से खत्म करती है। हालांकि एक चीज थोड़ी सी खटकती है। फिल्म में बाकायदा एक सीक्वेंस है जहां बताया जाता है कि रॉकी जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। राजा कृष्णप्पा बैरिया के रॉकी भाई बनने की वजह बताई जाती है। वो अनकन्विंसिंग लगती है। KGF 2 अपने छोटे से छोटे मोमेंट को एलिवेट करने की कोशिश करती है और अधिकतर मौकों पर सफल भी होती है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे सीन्स हैं जो KGF 2 को थोड़ा कमजोर कर देते हैं। वो ये है कि कोलार गोल्डफील्ड के लोगों को गरुड़ा के अत्याचार से बचाने के लिए रॉकी ने उसका मर्डर किया था, मगर वो लोगों के साथ वही चीज कर रहा है जो गरुड़ा करता था। वो लोगों से अब भी सोने की खान में काम करवाता है। उनकी लाइफ का कंट्रोल अब भी उन लोगों के हाथ में नहीं है। गरुड़ा को भी सोने का लालच था। रॉकी के लालच की भी कोई हद बाकी नहीं रही है। फिल्म के एक सीन है जहां पुलिस के हत्थे चढ़ा सोने का एक बिस्किट लेने रॉकी पुलिस स्टेशन चला जाता है। उसके बाद वही होता है जो आपने फिल्म के पहले टीजर में देखा। बेसिकली मसला ये है कि KGF में कोई हीरो नहीं है। आपको बुरे और ज्यादा बुरे के बीच चुनना है। हमने रॉकी को मसीहा की तरह देखा था, लेकिन वो तो विलेन निकला। साथ ही फिल्म में एक और सीन है जहाँ श्रीनिधि शेट्टी ने रीना का रोल प्ले किया है जिससे रॉकी को प्यार है। यश के साथ उनका रोमांटिक ट्रैक इस फिल्म में भी कंटिन्यू रहता है, मगर उसे फिल्म के प्रॉब्लमेटिक हिस्सों में गिना जाएगा। KGF पर अधिकार पाने के बाद रॉकी रीना को किडनैप कर लेता है। वो उसे अपना एंटरटेनमेंट बुलाता है। रॉकी उसे अपने घर में अलग कमरा देता है क्योंकि शादी के पहले शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन की भी कोई हद होती है। तो फिल्म के ये कुछ सीन्स थे जो रॉकी के फैंस को हजम नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने 2 साल के इंतजार में रॉकी को अच्छे गैंगस्टर के रूप में ही देखा था। तो आपको कैसे लगे KGF 2 के ये सीन्स, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यहीं इसी चैनल पर। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।